एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ फैशंस। एंड आज मैं आपको ये रिंग बनाना सिखाऊंगी झुमका बेस से, ये रिंग। और इसके लिए हमें सारा मटेरियल चाहिए। यहाँ पर मैंने झुमका बेस लिया है और ये बकरम शीट ली है मैंने, जिस पर मैंने येलो पेंट कर रखा है। और ये कुंदन लिया है मैंने रेड कलर का, और स्टोन चेन ली है, और ये रिंग बेस लिया है, और फैब्रिक ग्लू लिया है। और सबसे पहले ये जो झुमका बेस है इसके ऊपर में ये जो हमारा कुंदन है रेड कलर का, इसको मैं इस पर चिपका दूंगी। ठीक है, यहाँ पर मैं चिपका दूंगी। इसके बाद जो स्टोन चेन है हमारी, इस स्टोन चेन को मैं इसके आसपास डेकोर कर दूंगी, मतलब इसके आसपास को चिपका दूंगी फैब्रिक ग्लू से। और आप अगर नए आए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए मेरी ऐसी ही बहुत सारी वीडियोज देखने के लिए। देखिए, यहाँ पर मैं स्टोन चेन को इसके आसपास चिपका दूंगी। आप चाहें तो इसमें अदर चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे इसमें बॉल चेन का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो कुंदन आते हैं हमारे फ्रेम कुंदन, आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं। आपके पास जो भी मटेरियल अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। और जो सारा मटेरियल है ये मैंने भोपाल से परचेज़ किया है। भोपाल में जो मारवाड़ी रोड है वहाँ पर एक क्राफ्ट प्लेस नाम की गली है, तो वहाँ पर आपको ये सारा मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा, तो वहाँ से आप ये परचेज कर सकते हैं। एंड इसी तरह से इसको मैं ऐसे राउंड राउंड कर पूरा जो झुमका पेस है उस पर स्टोन चेन को चिपका दूंगी। और आपको मेरी ज्वेलरी की वीडियोस और देखनी है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जा सकते हैं, उस पर मैंने अपनी प्लेलिस्ट के लिंक को डाल दिया है, तो उस पर आपको आप क्लिक करोगे तो मेरे जितने भी वीडियोस है हैंडमेड ज्वेलरी की वो सारी आपको एक साथ देखने को मिल जाएगी। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने अपनी लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दी है, तो उसे क्लिक कर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। एंड अब जो बकरम शीट है, बकरम शीट पे मैंने स्केल से इस पर राउंड शेप बना दिया है, और अब हम इसको कट कर देंगे। अभी झुमका बेस है इसके नीचे वाले पार्ट पर ये जो बकरम शीट है, हम बकरम शीट को फैब्रिक ग्लू से चिपका देंगे। देखिए इस तरह से अभी सूख जाएगा, उसके बाद हम इस पर रिंग बेस को भी चिपका देंगे। इस तरह से हमारा जो रिंग है वो पूरी रेडी हो जाएगी। और यहाँ पर मैंने फैब्रिक क्विक का यूज़ किया है, आप चाहे तो उसमें हॉट ग्लू गन का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं रिंग बेस को चिपका दूँगी। इस तरह से हमारा जो रिंग है वो पूरी रेडी हो गई है। एंड प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी है और आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं।
और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ मुझे कमेंट करके भी बताइए कि आपको ये रिंग कैसी लगी। Thanks for watching my video and keep watching my videos and please subscribe my channel for my new videos.